चार दिन के अंदर जन लोकपाल बिल को संसद में पेश करे और स्टैंडिंग कमेटी के पास उसे न भेजे और संसद में सीधे उसे पास करवाए। सर्वदलीय बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, जहां सभी पार्टियों के नेता मौजूद हैं। और इस बैठक में अन्ना की जो तीन मांगे हैं, जिन पर पेज फंसा हुआ है, जिन पर सरकार कोई सहमति अन्ना की टीम के साथ अभी तक नहीं बना पाई है, वो तीनों मांगे प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के नेताओं के सामने रख दी हैं। मांग ये है कि सबसे पहले सरकार अपना लोकपाल बिल वापस ले, जो उसने संसद में पेश करवाकर स्टैंडिंग कमेटी या स्थायी समिति को भेजा है। दूसरे, चार दिन के अंदर जन लोकपाल बिल संसद में पेश करे। और तीसरा, बिना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे संसद के इसी सत्र में इसे पास कराया जाए। अगर जरूरत पड़े तो संसद के इस सत्र को आगे बढ़ा लिया जाए, लेकिन इसी सत्र में इस बिल के पास होने की मांग अन्ना और उनकी टीम ने रखी है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर देश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता माथापच्ची कर रहे हैं जन लोकपाल बिल को लेकर। तीन मांगे ऐसी हैं अन्ना की, जिन पर अभी तक सरकार कोई अपना रुख साफ नहीं कर पाई है, सहमति नहीं बना पाई है। और ऐसा लगता है कि अब ये फैसला ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ही हो पाएगा, जब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राय इन तीन अहम मांगों पर जाहिर कर देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी अलग से बैठक करेंगे अपने मंत्रियों के साथ, अपने पार्टी के नेताओं के साथ, और तब इस पर कोई फैसला हो सकता है कि इन तीन मांगों पर सरकार अन्ना और उनकी टीम को क्या जवाब दे। अन्ना का अनशन जारी है, आज नौवां दिन है। इस बीच प्रधानमंत्री आवास पर ये जो बैठक की आप तस्वीरें देख रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग की, ये अभी भी चल रही है। सभी पार्टियों के नेता, सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी बारे में और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। रमन, क्या अंदर से कुछ खबर निकल कर आ रही है, आखिर बैठक में क्या हो रहा है, क्या रुख है सभी राजनीतिक दलों का? जी बिल्कुल, देखिए कि ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हो गई है, और ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जो प्रधानमंत्री का ओपनिंग रिमार्क था, उस ओपनिंग रिमार्क में बिल्कुल साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने पूरी बातें विस्तार से बताई है कि किस तरह से हमने इस मामले पर लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया, और इस लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने लगातार अन्ना हजारे के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और तमाम मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की, और उनकी शर्तों के मुताबिक इसी सत्र में हमने लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस भी किया। लेकिन उनका ये कहना है कि अन्ना हजारे जी ने ये ऐलान किया था कि 16 अगस्त को वो अपना फास्ट शुरू करेंगे, और उसी के मुताबिक उन्होंने फास्ट शुरू किया। लेकिन हमने उनको व्यक्तिगत तौर पर ये संदेशा भिजवाया है, पत्र लिखकर ये सूचित किया कि आप अपना आमरण अनशन खत्म करिए, सरकार आपके बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सरकार चाहती है, और अगर लोकसभा स्पीकर इजाजत दें तो हम चाहते हैं कि जन लोकपाल बिल भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाए और अरुणा राय का बिल भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाए। यानी कि तीन तीन बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास रहेगा, और स्टैंडिंग कमेटी को प्रॉपर कंसल्टेशन करने दिया जाए तमाम मुद्दों पर, और उसके बाद उस पर सहमति हो, सरकार कोई भी फैसला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने तीन शर्तें रखी है, अन्ना हजारे जी की टीम ने तीन शर्तें रखी है, और उस शर्तों के मुताबिक उनका कहना है कि पहली शर्त है कि सरकार जो है वो बिल विथड्रॉ करे पार्लियामेंट से जो उसने पेश किया है। इसके अलावा जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने की इजाजत उन्होंने बात कही है। और तीसरी शर्त जो उन्होंने रखी है, उन्होंने कहा है कि इस बिल को इसी सत्र में पास किया जाए, बिना एक्सटेंडिंग कमेटी को भेजे हुए इसी सत्र में पास भी किया जाए। तो इसी तमाम मुद्दों पर जो तीन शर्तें उन्होंने रखी है, वो बातें राजनीतिक दलों के नेताओं को बताई जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि इन शर्तों को माना जाए या नहीं माना जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि जिस तरह से अन्ना हजारे या अन्ना हजारे के प्रतिनिधियों का व्यवहार है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उस पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो कि काफी चिंता का विषय है। रमन, ये बैठक शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था, ये समझ में आ रहा था कि सरकार ज्यादातर मांगे अन्ना की मान चुकी है, जो दो तीन मांगे बची हैं उस पर सभी पार्टियों की राय लेने के बाद समझौता कर लेगी। लेकिन आप जो बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का सरकार का रुख अभी भी कड़ा है, और ये सब कोशिशें ये हो रही है कि और राजनीतिक दल उनके साथ आ जाएं, जिससे अन्ना से दोबारा मोलभाव किया जाए। बिल्कुल, देखिए कि सरकार की राय ये इस बात को लेकर ऐसी है कि पिछली दफा जब अन्ना हजारे की टीम के साथ बैठक की गई थी तो कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि टीम अन्ना के साथ बातचीत के वक्त उनके नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को या जेडीयू के नेताओं को कोई तरजीह नहीं देगी,
उन बातचीत में उनको शामिल नहीं किया गया। इसीलिए सरकार इस बार कोई भी अपनी तरफ से उन्हें नहीं बताना चाहती है कि सरकार किन किन बिंदुओं पर सहमत हो गई है। वो उस राजनीतिक दल से राय जानना चाहती है कि आप बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या अन्ना हजारे की मांग को मान लेना चाहिए। अगर राजनीतिक दल उनकी मांग का विरोध करते हैं तब सरकार हो सकता है कुछ नया निर्णय करे। अगर राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं है, वो मांग मानने के लिए तैयार है, तो सरकार की अपनी स्ट्रेटजी है कि सरकार इस पूरे मामले पर आज रात में जो अंतिम बैठक होगी इस इफ्तार पार्टी के बाद, मतलब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद इफ्तार पार्टी है, और इफ्तार पार्टी के बाद जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में तमाम बिंदुओं पर सरकार डिस्कस करेगी कि आखिरकार ऑल पार्टी की मीटिंग के बाद किस किस मुद्दे पर हम अन्ना हजारे के साथ सहमति जता सकते हैं।